59 नंबर है। चलो देखो क्वेश्चन क्या करा है तुम्हारा, ये दिया हुआ है रनिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक में कुछ दिया हुआ है, कुछ निकालना है। द लेंथ ऑफ द इनसाइड ट्रैक, इनसाइड ट्रैक की जो लेंथ है आपकी सर जी वो कंप्लीट 400 मीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इच स्ट्रेट पोर्शन, ये स्ट्रेट पोर्शन दिख रहा है आपको इच, ये जो लंबाई है आपको ये दी हुई है 90 मीटर, ठीक है। और जो विड है मतलब इनके बीच की जो चौड़ाई दी हुई है, ये चीज है, समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, ये चीज़ जो दी हुई है, ये दी हुई है आपको कितनी, 14 मीटर। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, इस एरिया ऑफ द ट्रैक बनाना है। और आपका ये देखिए इस पोर्शन को क्या करो ना, ये तुम कुछ छोटे छोटे भागों में बांट दो, और जब छोटे भागों में बांटोगे तो बड़े कायदे से बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे तुम्हारा ये तुमको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन है जी, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है तुमको, ये देखो तुमको ये सेमी सर्कल नजर आ रहा है, और सेमी सर्कल है भी, बोला हुआ भी बुक में है कि सेमी सर्कल पोर्शन है। जब सेमी सर्कल है ब्रदर तो बताओ ये सेंटर होगा कि नहीं होगा, बोल बोलो। तो सेंटर से ये तुम्हारा रेडियस का काम करेगा नहीं करेगा, मान लो ओ है ये और ये तुम्हारा ओ डैश है, बोल भाई है कोई दिक्कत। चल भाई इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी और डी, इसको एम एन ओ पी, बोल भाई। तो आपको एरिया ऑफ द ट्रैक निकालने के लिए तो आपको एक कुछ पोर्शन में बटा हुआ है, जिसमें आपका दो सेमी सर्कल है और दो आपका रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का दोस्तों एरिया निकालना सिंपल है, क्योंकि तो आपको दिया हुआ लेंथ ऑफ द इच स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर, मतलब लेंथ 90 है और विड आपका 14 मीटर है। तो आपका तो ए बी सी डी और एम एन ओ पी का तो एरिया निकल जाएगा पटाख से, दिक्कत यहाँ पे होगा आपको एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, बिकॉज आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आपको विड दिया हुआ है, मतलब 14 मीटर दिया हुआ है, और आपको इनसाइड लेंथ ऑफ द इनसाइड ट्रैक भी दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द इनसाइड ट्रैक का हम यूज करके पता, ये भी तो तुम्हारा रेडियस ही होगा, बोल भाई। और इस पूरों को अगर टच कर देंगे, ये 14 मीटर है तुम्हारा, तो हम ये 14 मीटर है तुम्हारा, अगर हमको ये पता चल जाएगा, इसके थ्रू हमको ये पता चल जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ये मेरा बताओ सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर अपॉन में 2 लगाएंगे तो ये पाई आर का वैल्यू है, सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से रेडियस पता चल जाएगा। और जब रेडियस पता चल जाएगा सर जी, तो हम पूरा ओ एम से लेकर ओ पी के बीच का एरिया निकाल लेंगे और माइनस कर लेंगे और बन जाएगा क्वेश्चन। आओ चलिए सॉल्यूशन की तरफ। चल भाई देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन ईजी है। देखो इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या है ना, इस चैप्टर में आपको हाईली कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है बस उस चीज़ों को माइंड में थिंकिंग करो, और क्या फाइंड आउट करना है उसको नोट डाउन करो, और क्या गिवन है इसको नोट डाउन करो, और सिंपली से बनेगा। और देखो चलो, दी लेंथ ऑफ द इनसाइड ट्रैक इक्वल्स टू कितना है, 400 मीटर बाबू। तो ये क्या है तुम्हारा, इसको अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं ब्रदर ओ दो जगह आ गया क्या यार, एम एन ओ पी, ओ ओ ओ, इसको हम काम करते हैं, इसको हम दे देते हैं पी और इसको दे देते हैं क्यू, एम एन पी क्यू, कोई दिक्कत है। चलो देखो तो बाबू बताओ, लेंथ ऑफ द ट्रैक इनसाइड ट्रैक मतलब पी क्यू प्लस आर्क ओ बी प्लस ए बी प्लस आर्क और सेमी सर्कल ए पी हो जाएगा बाबू, बोलो कितना है ये, 400 मीटर, बोलना भाई। ये बात समझ में आ रही है, ये पी क्यू इज द लेंथ, ओ बी इज द आर्क है ना, ओ बी ए बी इज द लेंथ एंड दैट्स वाई ए पी इज ऑल्सो आर्क। तो आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है लेंथ ऑफ द इच स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर, तो यहाँ यूज कर सकते हैं 90 मीटर, बोलो। तो तुम्हारा 90 मीटर प्लस ओ बी आर्क प्लस 90 मीटर और प्लस ए पी आर्क हो जाएगा ब्रदर 400 मीटर, तो बोलो ज़रा सा 90 90 180 होगा। तो ओ बी आर्क प्लस ए पी आर्क इज इक्वल्स टू 400 माइनस 180, तो क्या आ जाएगा ये 220, बोल भाई। तो हमको ये जो मिला है ना ये 220 मिला है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ ज़रा सा, तो ये वाला सेमी सर्कल और ये वाला सेमी सर्कल मिलकर कंप्लीट सर्कल नहीं बन जाएगा,
ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल, दोनों को मिला दे तो कंप्लीट सर्कल नहीं बन जाएगा है। तो देखो तो ओबी तुम्हारा क्या है, ये आर्क है, और एपी क्या है तुम्हारा, ये आर्क है। तो एपी और ओबी मिला के एक कंप्लीट सर्कल नहीं बन जाएगा, बोल ना, तुम लिख सकते हैं। अगर बाय द वे अगर नहीं मन कर रहा है तो तुम इसको लिख सकते हो 2πr/2πr/2, मतलब आपका 2πr आएगा कि नहीं आएगा, बराबर 220 मीटर। देयरफॉर 2×22/7×r इज इक्वल टू 220 मीटर। देयरफॉर r इज इक्वल टू 220×7/2×22 मीटर, बोले तो कितना आया 35 मीटर। बोल भाई r निकल गया 35 मीटर, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन था आपके लिए, r आ गया 35 मीटर। अब देखो मेरा, अब हमको निकालना क्या चीज़, एरिया निकालना है, निकालना तो एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए PQNM का एरिया सिंपली निकल जाएगा और ABCD का सिंपली निकल जाएगा। लफड़ा जो होगा आपको इसमें होगा, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है ना कि आउटर एरिया माइनस इनर एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाकर आपको ट्रैक का एरिया आएगा। तो आउटर एरिया के लिए अगर हम चले तो आउटर एरिया के लिए रेडियस कितना है तुम्हारा है, OP=35 मीटर एंड PM=14 मीटर। तो आपका जो कैपिटल आर बनेगा, मतलब पूरा बाहर तक का जो आर बनेगा, 35+14 बन जाएगा, है कोई दिक्कत है समझने में। इसको हम चाहें तो हम कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 35+14 लिख दें। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ, बोलो। क्योंकि आपको क्या करना है ना कि आपको कंप्लीट आर पूरा निकालना है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ द ट्रैक निकालना है, लेकिन सेंटर ट्रैक के बाहर है ये वाला पॉइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये बाहर वाला एरिया निकालना पड़ेगा, और दोनों को माइनस करिएगा, तब जाकर आपको ट्रैक का सर्कुलर एरिया पता चलेगा। और वही पोर्शन यहाँ पे भी है, तो मिला के तो आपका कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो कैपिटल आर क्लियर हो गया, स्मॉल आर तो 35 है, बोल भाई 35 मीटर है ना। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक। अगर आपको दिक्कत है सर्कुलर पार्ट लिखने में तो आप क्या करोगे, आप लिख लेना कि टू सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द ट्रैक। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, एक पार्ट ये वाला लिए हैं हाफ, एक पार्ट ये वाला लिए हैं, और दोनों को लेकर फुल बना लेंगे, लिख सकते हैं सर्कुलर पार्ट है भाई। देखो भाई, तो एक बात बताओ, पहले बाहर का एरिया, मतलब पहले कंप्लीट एरिया अगर इसको बनाएंगे तो हाफ इधर से मिला और हाफ इधर से मिला, मिलकर एक सर्कुलर ट्रैक बन गया, सर्कल बन गया, और अंदर में आपका ये वाला पोर्शन है। देखो भाई, ये आपका कैपिटल आर का काम कर रहा है और ये स्मॉल आर का काम कर रहा है, हैं, तो कंप्लीट एरिया निकाल लो, क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाहर के लिए, और अंदर वाला माइनस कर दो तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सर जी, है कोई दिक्कत यहाँ समझने में, है भाई। तो चलो पाई को कॉमन ले लें, कैपिटल आर 49 का होल स्क्वायर और स्मॉल आर 35 का होल स्क्वायर, है क्लियर। मन करे तो मल्टीप्लाई करो, ना मन करे तो मत करो, मन कर रहा है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं मन कर रहा है मत करो, दोनों आसान है। अगर 49 स्क्वायर निकालते हो तो ये भी आसान है, 49 50 कितना कम है, एक कम, एक और कम कर दो तो 48 हो गया, उसका आधा कर दो 2401 हो जाएगा, आधा करोगे 48 का तो 24 आया, और कितना कम किए 50 से 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और जब भी लिखते हैं डबल डिजिट भी लिखते हैं तो 2401 इसका वैल्यू हो जाएगा, हैं। और 35 का भी आसान है, 35 में यूनिट प्लस में 5 है, किसी भी नंबर का अगर इसका किसी भी नंबर पे अगर यूनिट प्लस में 5 आ जाए तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। और 3 को एक कदम आगे बढ़ जाओ, 3 से एक कदम आगे बढ़ो, 4 आएगा तो 3×4=12, तो इसका मल्टीप्लाई आपका 1225 होगा। पहली विधि, बाय द वे मन नहीं कर रहा मल्टीप्लाई करने का, एकदम मत करो, छोड़ दो यहीं पे, जो हम हमेशा करते हैं, a² - b² a+b 9 5 14 8 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर देंगे 14 मीटर स्क्वायर। देखो सर जी, 7 × 7 = 14 तो 22×4 × 8 = 16 आ रहा है। तो ये आपको हो गया सर्कुलर ट्रैक का एरिया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्रैक। तो एक बात बताओ, 2×90×14 कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ट्रैक, एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगुलर ट्रैक, बोलो एरिया ऑफ द टू रेक्टेंगुलर ट्रैक इज इक्वल्स टू, क्या बोले हम, 2×ब्रदर
90 इंटू 14 हो जाएगा। ये बात किसको किसको नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ। नहीं समझ में आया है, समझ आ रहा है? चलो जब समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको भी। हाँ जी क्या कर रहा है, 49 जा 126, 2 इंटू 126 जीरो मीटर स्क्वायर, जीरो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 1 25, यही आ रहा है जी। देयरफोर एरिया ऑफ द ट्रैक क्या बोल सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको पक्का 3696 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्रैक। तो आप जोड़ दो दोनों को, 3696 प्लस 2520 मीटर स्क्वायर, बोलो 6 9 2 11 है जी, 6 2 12 3 2 5 1 6 11 है, आ गया क्लियर है एक पोर्शन, एक पोर्शन क्लियर है बढ़िया से। अब देखो हमको निकालना है क्या चीज़, बाहर का, बाहर का एक बात बताओ भाई मेरे को, हमको कैपिटल आर पता चल गया 49 मीटर, इसके थ्रू हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं बाहर का है, तो हमको भी पता चल जाएगा, ये पता है 90 90, ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे है जी। आ जाओ यहाँ बना रहे, जगह कम है क्या बोले, तो दी लेंथ ऑफ दी क्या बोले आउटर ट्रैक बोल भाई इज इक्वल्स टू 2πr प्लस 90 प्लस 90 मीटर, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, क्यों, क्योंकि सर जी आपका ये जो फिगर है इस कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये आपका सेमी सर्कल और इधर से आपका बड़ा वाला सेमी सर्कल है और कैपिटल आर आपको आर दिया हुआ है जो कि आपका 49 मीटर है, तो 2 ले लिए क्योंकि एक कंप्लीट सेमी सर्कल, सॉरी कंप्लीट सर्कल बन गया है, या फिर तुम्हारा मन करेगा तो पाई आर प्लस पाई आर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर बोले तो 35 नहीं होगा ब्रदर, 49 मीटर होगा, कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर लेंगे ना 49 और प्लस 180 मीटर है, कोई जहमत, 7 7 जब 49, 2 इंटू 22 इंटू 7 प्लस 180 मीटर, बोल भाई तो 7 दूनी 14, रुको ना 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 29 30, 308 प्लस 180 मीटर मतलब 8 8 4, तो आपका ये हो गया 488 मीटर दबा के। क्लियर है सर, क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बात दिमाग में खोल के चलिएगा।